Dear friends, very good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you chapter 6 in history. This is the so important topic because in this chapter, these all are Thanjavur, Hampi and Masulipatnam, famous for different types of. That means, aaj hum janenge. A closer look, Hampi, Masulipatnam and Surat, इस टॉपिक को. तो यहाँ जब बात करते हैं हम हम्पी का, तो दैट मीन्स दिस वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी. अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत. एक जहाँ अपने विशाल साम्राज्य, उसके आर्किटेक्चर इनके लिए फेमस था, तो दूसरा यहाँ पोर्टिंग दैट मीन्स ट्रेडिंग, व्यापार के लिए, और इन रास्तों से दैट मीन्स इससे नज़दीक पोर्ट बंदरगाह के माध्यम से व्यापार के लिए. और तीसरा हम देख रहे हैं जो बात किया हुआ है सूरत का. तो इन सभी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे. जैसा कि हम हम्पी की बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य दैट मीन्स मेडिवल टाइम हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित पंपा से निकला हुआ, आज के टाइम में अगर हम इसे जानते हैं तो अभी सिर्फ खंडहरों के रूप में ही इसके अवशेष हैं, जो कि ये तस्वीर जो आपके सामने दिख रहा है, इन तस्वीरों को जो हम देख रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप दैट मीन्स यहाँ साफ लिखा हुआ है, अ व्यू ऑफ वॉच टावर थ्रो या ब्रोकन वॉल ऑफ द इनक्लोजर ऑफ हम्पी. यहाँ जो टूटा हुआ, धसा हुआ, गिरा हुआ ये दीवार हम्पी के उस बड़े किले साम्राज्य की एक दीवार का यह नज़ारा जो यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसे हम जानते हैं. अब सबसे पहले जब आज के समय में हम बात करेंगे, तो दिस बिलोंग्स टू टुडे वी नो अबाउट द स्टेट कर्नाटका. आज हम कर्नाटका राज्य में के द्वारा इसे जानते हैं. उस टाइम में जैसा कि सब कॉन्टिनेंट प्रायद्वीपीय क्षेत्र सभी मोनार्की सिस्टम में एक राजतंत्र की व्यवस्था में भारत देश के सुदूर दूर दूर तक अनेक प्रकार के क्षेत्र थे, बट आज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे प्रजातंत्रात्मक पद्धति और सिस्टम में यह भारत का एक अभिन्न अंग है, जो कि राज्य के रूप में वर्गीकृत है. तो यहाँ कर्नाटक में विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसे एक जिला के रूप में जानते हैं. तो उस टाइम में दैट मीन्स राजा कृष्णदेव राय फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर 1336 दैट मीन्स 1336 ईस्वी में, और नियर अबाउट 1646 तक वह साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं और आगे उस साम्राज्य को समझते हैं. देन इसके आर्किटेक्चर पे चर्चा करते हैं. तो यह हम देखते हैं, हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि यहाँ साफ जो बात वही चीज़ रिपीट किया जा रहा है जो मैंने जस्ट आप सभी को एक्सप्लेन किया, कि तुंगभद्रा बेसिन के किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, फाउंडेड इन 1336 जिसे खोजा गया, बसाया गया 1336 में. द मैग्निफिसेंट रन्स एट हम्पी रिवेल वेल फोर्टिफाइड सिटी, मैंने इसे मुख्य रूप से हम जानते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित और बहुत बड़ा फोर्टिफाइड सिटी दैट मीन्स किलाबंद शहर, जो चारों तरफ से घिरा हुआ एक दीवालों में कुछ इसके लिए विख्यात है. अब यहाँ पे नो मोटर आवर सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज. अब इसके बनाने के तरीके में हम एक्सप्लेन करेंगे और इसे जानेंगे. तो नो मोर्टर आवर सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन, उस टाइम में सीमेंट के जरिए जमाना दैट मीन्स आज जो हम घर बनाते हैं 20 साल 30 साल पहले जो हम देखते थे मिट्टी के गिलावे से, आज के टाइम में सीमेंटिंग करके सीमेंट के गिलावे से, और अभी जो हम मशीन के द्वारा ढालने का काम करते हैं उसके छतों को, लेकिन उस टाइम में इसकी संरचना में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उन पत्थरों को
एक दूसरे में फंसा कर, इंटरलॉकिंग करके, ज्वाइंट करके, जो कि साफ इस तस्वीर में आपको दिख रहा है किस तरीके से एक दूसरे पर वो ईंट, वो पत्थर के बने ईंट के टुकड़े कैसे ज्वाइंट है एक दूसरे से सघन। तो इन चीजों को यहां बतलाया जा रहा है यूजिन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड, इन दीवालों को उन तकनीक से फॉलोड वॉल्स टू वेज देन टुगेदर बाई इंटरलॉकिंग, उनको एक दूसरे से फंसा कर रखा जाना। तो ये एक हार्ड वर्किंग को दिखलाता है कि कठिन परिश्रम किया गया इसके पीछे, और दूसरा इसके मजबूती, उस मजबूती को दिखलाता है, दैट मीन्स इसके स्ट्रांग पॉइंट को। इन तस्वीरों से हम इसे एक्सप्लेन किए। अब साथ में बात करते हैं अ फोर्टिफाइड सिटी इसके बारे में। तो जैसा कि हमने कर्नाटक राज्य से ही से जाना, अब इस तरीके से आज के टाइम में हम देखेंगे तो दिस इज हाउ, अब इसमें हम यह कैसे, दैट मीन्स फोर्टिफाइड सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें बता रहा है आई एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दैट मीन्स वहां पे था, ये कल्पना बता रहा है कि उन जगहों पे उसके मुहाने निकास द्वार जहां हम पहुंचते हैं, जहां से निकलते भी हैं और जहां से हम इंटर करते हैं उस साम्राज्य में, ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, जो साउथ गोवा से उस राज्य की तरफ आ रहे हैं, दिस किंग हैज मेड विदिन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड, उस राज्य में राजा ने उसे बनाया बहुत ही मजबूत किलाबंद, चारों तरफ से मजबूत दीवाल, किलाबंद शहरों को विथ वॉल्स एंड टावर्स, जो कि दीवालों और टावर के रूप में, दैट मीन्स उस समय अस्तंभित था, देयर वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज, उनकी दीवाल जो थे वे दूसरे शहरों की तरह नहीं थे, बट दूसरे शहर के दीवारों की तरफ नहीं थे, बट आर मेड ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स, मतलब बहुत ही मजबूत बनाया गया था, वुड बी फाउंड इन ए फ्यू अदर पार्ट्स, जिसे हम पाया गया दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, दूसरे भागों की तुलना में, एंड इन साइड वेरी ब्यूटिफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विच फ्लैट रूफ्स, और उसके अंदर में यहाँ जो बात कर रहे हैं, एंड इन साइड वेरी ब्यूटिफुल रोज, बहुत ही सुंदर अत्यंत मोहक दृश्य वो कतार में तस्वीर ऑफ बिल्डिंग्स भवनों का, मेड आफ्टर देयर मैनर, जो कि बनाया गया था विथ फ्लैट रूफ्स, जो फ्लैट नुमा छतों को बिल्कुल सपाट में, इन चीजों को एक्सप्लेन करता है और दिखलाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर टुडे थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।